प्रबुद्ध मंच के साथ साथ इस ध्वज को नमन करने के लिए बहुत शीघ्र बहुत ही मधुर स्वरों के साथ मंच के सामने से आते हुए राजकीय इंटर कॉलेज गांधी खाता न्याय पंचायत बागधाम परिवार के बच्चे सलाम करते हुए गुजर रहे हैं। जनपद अल्मोड़ा के तुरंत पश्चात जनपद बागेश्वर के बच्चे सलामी मंच और प्रबुद्ध मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए जनपद बागेश्वर के तुरंत पश्चात जनपद चमोली के ये प्यारे बच्चे जो कि राष्ट्रध्वज जो कि हमारे इस ध्वज को नमन करते हुए आगे बढ़े, इसके तुरंत बाद जनपद चंपावत के हमारे प्रतिभागी सलामी मंच से गुजरते हुए जनपद चंपावत के तुरंत पश्चात जनपद देहरादून के बच्चे जनपद देहरादून के खिलाड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कृपया करतल ध्वनि से हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करने का कष्ट करें। मेरा अतिथियों से स्वागत है, जनप्रतिनिधियों से स्वागत है। जनपद देहरादून के बाद जनपद नैनीताल के ये बच्चे जनपद नैनीताल के ये बच्चे सलामी मंच से गुजरते हुए और इसके तुरंत पश्चात जनपद पौड़ी के ये बच्चे ध्वज को सलामी देते हुए मंच से आगे बढ़ रहे हैं और इनको फॉलो कर रहे हैं जनपद पिथौरागढ़ के हमारे ये प्यारे बच्चे। कृपया बच्चों का करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करते रहें ताकि ये बच्चे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन में कहीं भी पीछे न रह जाएं। पिथौरागढ़ को फॉलो कर रहे हैं रुद्रप्रयाग के ये हमारे प्यारे बच्चे, जनपद रुद्रप्रयाग के बच्चे सलामी मंच से गुजरते हुए जनपद रुद्रप्रयाग को फॉलो करते हुए जनपद टिहरी के ये हमारे बच्चे सलामी मंच से गुजरते हुए जनपद उत्तरकाशी के बच्चे। इन बच्चों के उत्साह को देखकर कहीं भी इस बात की कसर नहीं रह जाती कि हमारा राज्य उत्तराखंड खेलों में अग्रणी राज्य के रूप में रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। हमारे बच्चे खेल भावना से ओतप्रोत जनपद उधम सिंह नगर के हमारे ये बच्चे सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए और आज का इस प्रतियोगिता का मेजबान जनपद हरिद्वार के हमारे ये बच्चे सलामी मंच के साथ साथ मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सरकार का माननीय मुख्यमंत्री राज्य के माननीय खेल मंत्री संकेत हम सबको